आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। चारधाम के हो रजिस्ट्रेशन को लेकर होटल एसोसिएशन ने बड़ा विरोध दर्ज किया है। एसोसिएशन की माने तो पंजीकरण व्यवस्था से उनके होटल की बुकिंग कैंसिल हो रही है और खासा नुकसान होटल कारोबारियों को हो रहा है। ऐसे में कारोबारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने में कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में चारधाम में होने वाले तैयारियों का अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार एक तरफ तैयारियों को पूरा करने का लगातार दम भर रही है तो वहीं आने वाले समय में पुष्कर सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने श्रद्धालु पंजीकरण बंद नहीं किया तो एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं ऑनलाइन पंजीकरण। बता दें पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं को ही चारधाम यात्रा के दर्शन करने की अनुमति होगी। एसोसिएशन का कहना है कि लोकल कारोबारियों को भी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। बताते चले कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था को शुरू कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात कही है। सचिव SS संधू का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार के लिए बाहर से आ रहे यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एक तरफ उत्तराखंड एसोसिएशन सरकार के इस फैसले को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे इसको एक ऐतिहासिक निर्णय बताकर यात्रियों की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय से एसोसिएशन के विरोध की चेतावनी सरकार के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ विचार विमर्श हुआ? देखिए प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना आए या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी। ये कल आपको पता ही है कि कल हम चारधाम यात्रा में भी चारधाम होटल एसोसिएशन भी शामिल थे और वहाँ भी हमने अपना विषय रखा है और उसी के बाद तुरंत हमारे मुख्य सचिव जी का फरमान आता है कि चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है। तो ऑनलाइन पंजीकरण का चारधाम होटल एसोसिएशन घोर विरोध करता है और हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है चारधाम के लिए। क्यों? पिछले बार कई यात्री हैं जो द्वार से वापस गए हैं, हमें रोना आया है, तुम सनातन धर्म के रखवाले हैं और जो इतनी श्रद्धा लेके आ रहा है और उसको द्वार से वापस किया जाए तो इस साल वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा ये है? ये कोई औचित्य नहीं है। ये आप इस तरह जो है न तो चारधाम, और इस बार सबसे पहले तो हमने ये किया कि जब भी ये चारधाम संबंधित मीटिंग होती है तो चारधाम के अध्यक्षों को इस मीटिंग में शामिल किया जाए। कल भी हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब जाके जब हम 20 तारीख को मिले तब जाके हमको ये बताया कि कल आप मीटिंग में आएंगे, लेकिन मीटिंग में भी हमको हमारा तथ्य रखने नहीं दिया गया। बताया गया कि आपको इसके लिए अलग से बुलाया जाएगा चारों धाम के अध्यक्षों को। इन दो व्यस्तों से तो जैसे इन्होंने फरमान दिया जो हमारे बुकिंग है वो कैंसिल होने लग गई है, ठीक है, और उसका जो है होटल एसोसिएशन पे नहीं, चार धाम के जन जन घोड़ा खच्चर डंडी कंडी मजदूर तबके के जितने भी गरीब लोग हैं सब पे असर पड़ रहा है। और देखिए अगर सरकार इस बात पे अड़ी रहती है कि हम यथावत रखेंगे जो इस समय पंजीकरण की व्यवस्था है तो मजबूरन जो व्यापारी हैं होटल एसोसिएशन के हम लोग आए हैं, हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये पंजीकरण की व्यवस्था ये व्यवहारिक नहीं है, सामान्य होनी चाहिए। हर एक को आने का हक है अपने चारों धाम पे, और बाकी आप कहीं भी देखेंगे पूरे देश के अंदर जो धामों पे किसी भी जगह पे चाहे वैष्णो देवी हो या तिरुपति जी हो, वहाँ पे जो संख्या निर्धारित करीब अगर करी भी गई है
तो वो व्यवहारिक है और काफ़ी अच्छी संख्या है, जबकि वो बहुत सीमित दायरे के अंदर होती है, 5 से 10 किलोमीटर का दायरा है जिसके अंदर वो पूरी यात्रा चलती है। यहाँ हमारी जो यात्रा है वो करीब 1600 किलोमीटर के अंदर होती है, ऋषिकेश से लेकर के और पूरा यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सारा, और करीब 15,000 करोड़ का व्यवसाय है जिसमें सारे डांडी कांडी, घोड़ा खच्चर, आपके टैक्सी वाले, होटल व्यवसायी, सबके सब हैं। और सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, वो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि संख्या सीमित करने के ऊपर।